हेलो फ्रेंड्स, मैं मीरा सेन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे पास यह एक उड़ता हुआ मोर है जिसको मैं दिखा रही हूँ। अभी ये मैं साल भर पहले इसको ग्रो की थी फ्रेंड्स, कुछ मैच्योर कटिंग से। और अब आप देखें कि इसका किस तरह से ग्रोथ हो गया है। अभी फ्रेंड्स, मैं इसमें एक बार भी कटिंग नहीं की हूँ बनाने के बाद, तो आप देखें इसमें बहुत ही बड़ा बड़ा ब्रांच निकल के आया है। तो अब ये कटिंग मांग रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं सोची क्यों नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाए दें कि अभी अभी कैसा लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सब जैसा कि जानते हैं कि जेड ही एक ऐसा प्लांट है किसको आप जितना ही कटिंग करेंगे उतना ही अच्छा ग्रोथ ही इसका बनेगा। और ये भूसी दिखेंगे और ये अपना सही वाला शेप में आ पाएंगे। तो इसका देखें फ्रेंड्स, आप ये नेक है, नेक के पास अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो इसी तरह से लंबा लंबा ब्रांच, ये ऊपर का पॉट है, तो ये इनका शेप अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए पहले फ्रेंड्स, अभी तो चूँकि काफ़ी बड़ा हो चुका है तो मैं इनकी कटिंग कर दे रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि पहले और अब में कितना अंतर हो गया है। इस तरह से फ्रेंड्स सारे को कटिंग करेंगे और मेरा एक टाइम ऐसा आएगा फ्रेंड्स कि अभी आप सबों के सामने ही मैं अपना प्लांट फिर से दिखाऊंगी कि अब ये कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखें, हर नोट पे पिंचिंग कटिंग करते रहना चाहिए। कोई भी जेड प्लांट अगर है आपके पास तो महीना, दो महीना, 15 दिन, जैसे आपके प्लांट का ग्रो हो रहा है प्लांट आपका, उस हिसाब से फ्रेंड्स कटिंग करते रहें ताकि आपका कोई भी बोनसाई टोपियाड़ी मैच्योर लगे फ्रेंड्स कि हाँ अब इनकी ग्रोथ अच्छा हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम काटते हुए देखें, आप नेक में मैं कटिंग की हूँ तो सारा इनका बड़ा ब्रांच मैं निकाल दी हूँ फ्रेंड्स। और ये अब आगे से आगे का पोर्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देखें कटिंग के बाद ये थोड़ा सा इनका भी इस तरह से फ्रेंड्स मैं इनकी कटिंग की हूँ इनकी चोंच की। अब इनके साइड वाला नेक की कटिंग चल रहा है फ्रेंड्स, आप देखें इस तरह से दो छोड़ते हुए लीप को काटेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। और ये इनका पंख है फ्रेंड्स, ये चूंकि मैं जैसा कि बताई हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा उड़ता हुआ मोर वाली टोपियाड़ी है, तो इनका फ्रेंड्स ये पंख है। तो पंख जब तक इनको काटेंगे नहीं फ्रेंड, तब तक ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, बस सिर्फ सीधे सीधे ये चलते हुए जाएंगे। तो इसलिए इनकी पंख को भी हर पॉइंट पे हमको कटिंग का ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंड। ये इनकी बॉडी है। अब इस तरफ दूसरे तरफ चलते हैं फ्रेंड, दूसरे पंख के तरफ। तो इस तरह से मैं इसको भी कटिंग कर दूंगी। ये हो गया फ्रेंड्स, इधर का पंख काटती हूँ। अब इनके ये पीछे का पोर्शन है फ्रेंड्स, तो इसको भी काटना इस तरह से, जितना भी शेप लग रहा है कि ये बेकार जा रहा है फ्रेंड्स, वो सबको मैं काट के शेप में पहले ले आऊँ। इस तरह से आप कटिंग करने में ज़रा सा डरे नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये अगर कहीं थोड़ा धोखे से कुछ कट भी जा रहा है तो बहुत ही जल्दी इनका ग्रोथ हो जाता है। तो इसलिए जेड प्लांट पे आप अगर बिगनर हैं फ्रेंड्स, तो भी आप अपनी गार्डनिंग का शुरुआत जेड प्लांट से कर सकते हैं, ताकि एक ही जेड ही एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है और एक अच्छे से अच्छे बोनसाई टोपियाड़ी इनमें तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखें, मैं अपना
उड़ता हुआ मोड़ के कटिंग कर दी हूँ। और ये अब आपको देखने से पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि कितना खूबसूरत दिखने लगा कटिंग के बाद। इस तरह से अभी पूरा काट दी हूँ फ्रेंड्स। अब इनकी थोड़ी गुड़ाई भी करते रहना चाहिए फ्रेंड्स समय समय से। इसमें फंगीसाइड का स्प्रे इन दिनों थोड़ा सा हमारे यहाँ विंटर प्लांट का सीजन है तो इस पर जो है एक माहू एक कीटाणु है फ्रेंड्स जो इन दिनों प्लांट पे ज़्यादा अटैक करता है। तो इसके लिए हमको फंगीसाइड का स्प्रे हर 15 दिन महीने दिन में एक बार करते रहना चाहिए ताकि मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। तो यही था फ्रेंड्स आज का मेरा ये उड़ता हुआ पीकॉक वाली टोपियाड़ी। तो अगर मेरा ये टोपियाड़ी आप सबको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स बाय।